वीडियो पसंद आए तो अपने लिए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और हमारे लिए लाइक और कमेंट करें। दोस्तों, जो हम बचपने में बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं कि अपना काम समय पर करो, काल करे सो आज करे से अब, क्या पता कल मौका मिले ना मिले, हाथ से निकला हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता। उसके बाद में कितना भी सिर धुनोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यही हम बच्चों को सिखाने वाली चीज़ हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते और फंस जाते हैं। और सोचने की बात यह है कि इस ज्ञान का संबंध छोटे लोगों से लेकर बड़े लोगों तक है, चाहे कितने भी आप छोटे पद पर रहे या कितने भी बड़े पद पर रहे। तो दोस्तों, यही एक कहानी आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के साथ हो गई है। 10 सालों तक वो सत्ता में थी, उस वक्त उन्हें अपने कर्तव्यों का ठीक से ज्ञान नहीं था और आज जनता के सामने वादे करती है कि हम एक कर देंगे, हम एक कर देंगे, हम वो देंगे, हम ये देंगे। अरे भाई, 10 सालों में दे क्यों नहीं दिया? अब कोई फायदा नहीं है। और अपनी इस हार की हताशा को छिपाने के लिए ममता दीदी ऐसे ऐसे बयान दे देती है जो उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा पहुंचाएगा, लेकिन 4 कदम और उनको नुकसान पहुंचा देता है। दोस्तों, मैं वैसे तो कई दिनों से नोटिस कर ही रहा हूं, लेकिन कल हद तब हो गया जब कल ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में बाहरी लोगों के आने के कारण कोरोना फैल रहा है। मतलब कि उनका इशारा चुनाव की ओर था और चुनाव के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, इसलिए कोरोना फैल रहा है। लेकिन दीदी ये बात भूल जाती हैं कि अब वो बैलगाड़ी वाला युग जा चुका है। जब कोई शहर में कोई पहले स्टेज की घटना घटती थी तो वो अगर आज घटी तो कल अखबार में आता था, और अखबार में 1-2 लोग के पास ही अखबार आता था, अब वो पढ़ के बाकियों को बताते थे। अब तो वो युग आ गया है ना कि किसी गांव में अगर कोई घटना घटती है ना तो गांव वाले को बाद में पूरे देश को पहले पता चलता है। और ऐसे युग में वो जनता के सामने बयान दे रही है कि कोरोना फैल रहा है बाहरी लोग के चुनाव प्रचार में आने के कारण। ये तो ऐसे ही है कि एकदम हंसने वाली बात है, और कोई भी सुनेगा तो हंसेगा ही। ये तो वही बात हो गई कि किसी इलाके में चोरी हो रही है और उसमें से एक चोर बोलता है कि अरे यार, चोर कितना बेकार है, उस चोर के कारण पूरा का पूरा इलाका का सामान खाली हो जा रहा है, ऐसे रहा तो इलाका में बचेगा क्या? अब ये हंसने वाली बात नहीं है तो क्या है? ये बात बच्चे बच्चे से लेकर ना बड़े बड़े ज्ञानियों को पता है कि कोरोना फैलने का प्रमुख कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण सोशल डिस्टेंस का तोड़ना है। और उनका ये कहना सही है कि बीजेपी वाले बहुत बाहर बाहर से आ रहे हैं, अलग अलग नेताओं को बुला रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं, इससे सोशल डिस्टेंस टूट रहा है और बंगाल राज्य में कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन वो दीदी ये बात क्यों भूल गई कि उनकी रैलियों में भी कई लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस उससे भी टूट रहा है। कोरोना फैलते वक्त ये कभी नहीं सोचता कि वो बंगाली है या बंगाली नहीं है, कोरोना एकदम निष्पक्ष है, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। अगर ममता दीदी को इस बात पर यकीन नहीं है तो इनकी पुष्टि बड़े बड़े ज्ञानियों से कर सकती है। ये बात जनता सुनेगी तो हंसेगी, नहीं तो क्या करेगी कि खुद तो इतनी रैलियां कर रही है और बीजेपी को दोष दे रही है। और जनता केवल हंसेगी नहीं, जनता नाराज भी होगी और गुस्सा भी होगी। अब दूसरी बात, ममता दीदी ने अपने एक बयान में कहा था कि बीजेपी बांटने वाली पार्टी है, बांटने का काम करती है। तो इसके पहले ममता दीदी कई बार, एक बार दो बार नहीं, कई बार अपने भाषणों में बोल चुकी है कि बाहरी लोग को बंगाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि बाहरी कौन है, भीतरी कौन है? हम पूरी तरह से भारतीय हैं और भारत का संविधान ये भेद नहीं करता कि कौन बंगाली है और कौन बंगाली नहीं है, कौन मराठी है, कौन बिहारी है, कौन गुजराती है। कोई भी व्यक्ति कहीं का भी रहने वाला भारत देश में कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी बस सकता है। तो जब ममता दीदी ये बात बोलती हैं कि बाहरी व्यक्ति को अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो बांट कौन रहा है बाहरी और भीतरी में, जबकि संविधान के समक्ष सब बराबर है। और ऐसा बोलते वक्त ममता दीदी क्यों भूल जाती है कि बंगाल के भाई बहन भी अलग अलग राज्यों में बसे हैं और अलग अलग राज्यों के निवासी भी भारतीय भी बंगाल में बसे हैं। तो अगर वो बाहरियों को बोलेंगे तो वहाँ के लोग भी तो बंगालियों को बोलेंगे। तो इस तरह से क्षेत्रीय विवाद क्यों बढ़ रही है? क्या इसे बांटना नहीं कहेंगे? और अपने भाषण में ममता दीदी ने बात बोला था कि बीजेपी यूपी बिहार से गुंडे मंगवा रही है। तो भैया, आपने तो गुंडों को बांट दिया। ये यूपी का गुंडा है, वो बिहार का गुंडा है, और कहीं ना कहीं आपने यूपी बिहार के लोगों को बदनाम भी किया है।
अरे भाई बांटने में तो ममता दीदी इतना आगे तक निकल गई कि उन्होंने एक कह दिया कि मैं आर्मी का तो रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन सीआरपीएफ का रिस्पेक्ट नहीं करती। मतलब इन्होंने हमारे देश के सेनाओं को भी बांट दिया, इनको तो बंटवारे में पीएचडी मिलना चाहिए और उल्टा आरोप बीजेपी पर लगाती है। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ममता दीदी के वो वास्तव में बाहर से आने वाले लोगों से दिक्कत नहीं है, बाहर से आकर बीजेपी या कोई भी ऐसे लोगों को के प्रचार से दिक्कत है जो इनके पक्ष में प्रचार नहीं करते। लेकिन जब वो वोट पाने के लिए इतना नीचे तक चली जाएंगी तो जनता उन्हें कैसे समझेगी, उन्हें कैसे वोट देगी? इसी को कहते हैं शायद विनाश काले विपरीत बुद्धि। दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बात बिल्कुल से नहीं कहने वाला कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी का चुनाव प्रचार वो भी इतने सारे लोग को इकट्ठे करके करना वाजिब है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब सब वही गलती कर रहे हो तो आपको दूसरे को गलत बोलने का क्या अधिकार है? कौन से नैतिकता के नियम से बात बोल रहे हो? पहले आत्म सुधार कर लीजिए। दोस्तों फाइनली अपने वीडियो का मैं सार ये देने जा रहा हूँ कि हमें अपने जीवन के हर कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाना चाहिए, नहीं तो सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री का पद तक भी हाथ से चल जाता है, मुख्यमंत्री होकर भी आप अपने पद को नहीं बचा पाएंगे। तो हम आम लोग अपने कोई भी साख को कैसे बचा पाएंगे? मतलब हमको जो जिम्मेवारी जब मिलती है उसे ईमानदारी से पूरा करना चाहिए, नहीं तो एक बार जब मौका हाथ से निकल जाएगा ना तो लाठी पीटते रह जाइए, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइक कर दीजिए और यदि पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।